हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी फतेहपुर वाली उसमें आप है ना, फतेहपुर व्हाट्सएप ग्रुप, आगे एक व्हाट्सएप ग्रुप है फतेहपुर अहले सुन्नत फतेहपुर। अहले सुन्नत फतेहपुर। हाँ जी 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 तो आप उसमें आपके कमेंट्स पढ़ रहा था जी। माशाल्लाह आप हाफिज साहब हैं जी। आप हाफिज कुरान हैं? नहीं तो अच्छा, तो मतलब वहाँ पर नहीं, आप बहस व मुबाहिसा कर रहे थे ना, तो किस मकसद से आप ताल्लुक रखते हैं? जी पहले जी साहब जो है मैं देवबंद ऑल राइट राम को जो है अपना बुजुर्ग मानता हूँ अच्छा और उन्हीं को भरोसा करता हूँ जी जी कहाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद आशिफ। जी जी माशाल्लाह। आपको जी मैं असल में वही ग्रुप में हूँ, वो आपकी बहस और मोबाइल से देख रहा था आप कौन बोल रहे हैं? आपको मैंने पहचाना नहीं जी। मैं नदीम बोल रहा हूँ। नदीम बुरहानपुरी। नदीम जी जी नदीम खान बुरहानपुर। अच्छा नदीम बुरहानपुरी जी फरमाइए। तो ये मेरी जानना था कि तबलीगी जमात जो काम करती है अंबिया में, अंबिया वाला काम है? जी अंबिया ने भी लोगों की सलाह की है। जी जी वो भी जो है मुसलमानों की जो बेचारे दीन को नहीं समझते और जी दुनियादारी में भुलाए बैठे हैं उन्हें दीन याद कराती है। तो जैसे मुझे ये बताइए अंबिया अलैहिस्सलाम किस चीज की दावत देते थे? अंबिया इस्लाम जो है मेरे प्यारे भाई तौहीद की दावत देते थे। जी जी तो तबलीगी जमात तौहीद की दावत देती है? जी बिल्कुल देती है। जी जी तो कैसे देती है बताइए ना, क्योंकि हमने तो अल्लाह कभी एक देखे है, नहीं। अल्लाह अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हर काम अल्लाह के करने से होता है, गैर अल्लाह के करने से कुछ नहीं होता। जी जी ये तौहीद नहीं है आपके घरों में? हाँ हाँ निश्चित और है? नहीं नहीं और बोलिए ना, मैं कहाँ कुछ और बोल रहा क्या हूँ? आपकी मन मुताबिक जवाब दिया जाए? नहीं मैं तो कुछ आप बोला ही नहीं ना। गलत अरे फरमाना मैंने तो अभी चाहते कुछ, हो? मैंने तो एक बात सुनो नदीम बुरहानपुरी साहब, एक नहीं मिनट। जब आप आपने ये बात की है, आप लोगों को उम्मत की जो है फिक्र है थोड़ी बहुत? हाँ इसलिए तो आपसे तौहीद पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको है फिक्र नहीं है उम्मत की? फिक्र है तभी तो तौहीद पूछ रहे हैं। करते हो मुसलमान को जो है मतलब हाँ तो तो मतलब मुझे मुझे बताइए जो अच्छा तो मुझे तौहीद बताऊं आपने, तो पीछे तो नदीम बुरहानपुरी साहब, एक मिनट एक मिनट, ये जो तौहीद आप आपने जाके बयान किसी की में है। जाए सुनिए सारे मेरी बात सुनो भाई। मैं ये कह रहा हूँ आप जाके पीछे न जाए, 1888 से लेकर आज तक आप अपनी एक जो है मुझे दिखाएं कि मतलब जो है दिन की मेहनत का रिजल्ट दिखाएं। आप 1888 से दिखा दें, चलिए पीछे तो नहीं जा पाओगे आप। नहीं नहीं 1888 से नहीं स्टार्टिंग 1888। आपकी जीत हुई है। अब आप मेरे को आपकी बोलने देंगे कि आप ही बड़बड़ाते रहेंगे और फिर बोलेंगे आपने बोले नहीं? अरे एक मिनट मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए, फिर मैं चुपूंगा आप बोलोगे। अच्छा आपके सवाल एक मिनट से 3 मिनट में मुकम्मल होते हैं? आपको मतलब मैं कितनी मेहनत की और कितने इलाके आपकी मेहनत से, कितने जिले आपकी मेहनत से जाए, हक जो आपका हक है उस पर आए, कोई जिला बताए मुकम्मल, कोई जिला ऐसा गाँव बताए जो मुकम्मल हो आपकी तबलीग से आज तक आया हो, कोई डिस्ट्रिक्ट बताए जो कि आपके बिल्कुल जो है उसमें हो। मेरे प्यारे भाई आपकी तबलीग के लोग बार चेंज हुए हों, या क्यों ड्रामा करते हो आप लोग? क्या दिए मुझे सबूत आपकी तबलीग जो है कन्वर्ट हुआ? आपका सवाल है पूरा सवाल हुआ कि नहीं? मेरा मुकम्मल सवाल हो गया, बस इसका जवाब दे दीजिए। 1888 से आज तक आप दिखाइए, कोई एक जिला बताइए जो आज की पेटेंट आज एलर्जी हो आपकी मेहनत से। हाँ पहले छोड़ आ रहे हो। नहीं नहीं देखिए हक वादा करते हैं, एक मिनट का बोलते हैं, तौहीद के कौन से उसूल से आप बात कर रहे हैं? चलिए बोलिए आप बोलिए ना। मैंने तो ये जो अंदाज आप अपनाए हैं ये तौहीद में आपने कहाँ से सीखा है? ये जो अंदाज आपने अपनाए हैं ये किस नबी, किस सहाबी ने, कौन से कुरान हदीस से आपने लिए हैं? कौन से अंदाज जो अभी आप इतनी बात कर लिए, सवाल खड़ा कर दिए, बोलने ही नहीं दे रहे हैं? अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी ने ही बताया है आपको दुनिया हाँ। अगर मिटाना भी चाहेगी तो आपको नहीं मिटा पाएगी। अगर और आप अपने आप को हक पर मानते हैं तो आप दिखाइए, आप क्यों मिट रहे हो? सुनिए ना, ये आपने ये आप जो अभी अंदाज अपनाया है ये आपने, आप बताइए ना मुझे, आपने तौहीद में कहाँ से सीखा? अल्लाह के नबी से सीखा। अच्छा नाऊज़ुबिल्लाह, नबी की तरफ झूठ मंसूब करेंगे तो अपना ठिकाना जहन्नम है। नबी की तरफ झूठ मंसूब करो तो ठिकाना जहन्नम है, मालूम है ना वो हदीस? जी 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 हाँ तो ये आपने नबी से सीखा है,
अरे आप मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे आपने नदीम खान परी साहब आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं और आप बिल्कुल अपनी भड़ास निकाले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका आपको बता रहा हूँ ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ बोलना। हाँ जी आपने कहा नहीं सीखा है। ये जो आप ये अंदाज बात कर रहे हैं ये अंदाज आपने नबी का नाम लिया है नाउज़ु बिल्लाह तो कहाँ से सीखा है बताइए। कौन सी कुरान की हदीस की आयत है, कौन सी हदीस है, कौन से इमाम ने समझाया, कौन से साहबी ने समझाया आपको कैसे बात करनी चाहिए। अल्लाह ने कैसे समझाया। किसी भी बात पे दलाल मत करो, पहले तहकीक कर लो। आप अपनी नहीं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका जो तरीका है बात करने का, अल्लाह ने बताया, अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं आप, नऊज़ु बिल्लाह शैतान की सुन्नत पे अमल करके अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं आप, ये तो वही है आपकी। कौन सी सरकार की सुन्नत ये आपने चाहे चीर करके कराओ ना और नंगे सर पर नमाज पढ़ना, ये अल्लाह के नबी ने बताया आपको नंगे सर कलसम जाम पूछ के बिना मजबूरी की नमाज पढ़ो। हाँ तो हम बोल रहे हैं आप पहले ये बताइए ना, ये आपने कहाँ पढ़े मुझे बताइए। मेरे प्यारे भाई हम तो मुखल्लिद हैं। अभी झूठ बोल रही है, ये अभी अल्लाह रसूल का नाम ले रहे थे, अब मुखल्लिद बन गए। हाँ बिल्कुल उलमा इकराम के, क्योंकि मेरे नबी के वारिस हैं उलमा इकराम। नहीं और मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी ने बताया भाई, और वारिस मालिक होता है। तो आपके उलमा इकराम ने कहा से बताया आपको, लेकिन तौहीद आपने, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप लोगों को तौहीद नहीं समझाते, आपको तौहीद नहीं समझती। तो कह रहा हूँ नदीम बुरहानपुरी साहब, आप नहीं मानते अल्लाह को, नबी को ना अल्लाह को। अरे भाई आपने भी अल्लाह और रसूल दोनों का नाम लेकर, अल्लाह रसूल दोनों का नाम लेकर आप मुकर गए कि हमें उलमा ने बताया। अभी तक आप अल्लाह रसूल का नाम ले रहे थे, अब उलमा का नाम क्यों पहुंच गया? कौन सा आलिम ने बताया आपको? बिल्कुल बताया आपको, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कौन सा आपको? हम तो हवाला देंगे, हम तो कोई भी बात का हवाला देंगे, कुरान हदीस से देंगे, अल्लाह के नबी का अमल बताएंगे। हज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में बिना सर ढापे नमाज पढ़ते थे। सर ढापे जाते क्या हज में? जी 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 बिल्कुल। आप हज में टोपी पहनते हैं? वो हज है, हज के अरकान और अच्छा नहीं नहीं बात नमाज की चल रही है ना, मान नमाज की अभी हम बताएंगे ना, और फिर बताएंगे ना, अभी एक चीज तो पता चल रही है ना आपको। लेकिन नहीं सुनिए, आप सारी नमाज एक ही कपड़े में पढ़ते हैं फिर? भाई ये आपके देखिए, आपने जो तौहीद पर झूठ बोला था ना, आपको झूठ पकड़ा है गया। जलालत दिखाई है क्योंकि आपने जलालत दिखाई है कर रहा हूँ। आप इतना घबरा परेशान क्यों रहे? अगर आपकी तौहीद दुरुस्त है तो आप इतना घबरा परेशान क्यों रहे? क्यों बड़बड़ा रहे? आप झूठे हो ना। कुरान ने तो कहा है कि अच्छे अंदाज में बहस करो, और आप होके बड़बड़ा जा रहे हो। आप शैतान हो ना। कुरान ने कहा ना अच्छे अंदाज में बहस करो, लेकिन आपको बड़बड़ाए जा रहे हैं। आप दज्जाल हो, ऐसी तबलीग करते हैं बस बड़बड़ाए जाओ भाई। ये कौन सी तबलीग है? कौन सा नबी ऐसी तबलीग करता है? वो मेरे भाई पहले आते हैं, मुझे बताइए ना, कौन सा नबी ऐसी तबलीग करता था कि बस बड़बड़ाए जाओ? भाई बताओ ना, कौन सा नबी ऐसी तबलीग करता था कि बड़बड़ाए जाओ, सामने वाले को भूलने मत दो, झूठ बोल रहे कौन से कहा? बताओ तो बोलो ना दलील, तुम बताओ ना। तो झूठ बात ही बोलो, का नाम लिए और साथ झूठ बोल के उलमा पे पहुंच गए, और फिर अपने मुकल्लिम उलमाओं को अंबिया का वारिस बना दिया नऊज़ु बिल्लाह। झूठ पर झूठ आप रद्द कर दो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को रद्द कर दो, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस बताया है। हां तो वो अंधे मुकल्लिम उलमा है, वो अंधे मुकल्लिम उलमा है, रद्द कर दे। हाँ तो कर दो रहा हूँ, वो अंधे मुकल्लिद उलमा है। अल्लाह ताला ने तो कुरान ने कहा, अल्लाह ताला ने तो कुरान ने कहा कि आलिम और दरवेशों को जब ये जन्नत जहन्नम में देखेंगे, सुने ना तो भाई, वो आलिम और दरवेशों को जब ये जहन्नम में देखेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह इनको डबल अजाब दे। आपके उलमा वो उलमा है, कुरान ने बताया ना, आलिम और दरवेशों को जब जहन्नम में देखेंगे,
अच्छा इनकी खता क्या है? इनकी खता यही है ना कि कुरान हदीस से दीन नहीं समझाते, अपनी राय कायद से दीन समझाते हैं। अच्छा हाँ, हजरत उमर ने कहा था ना, हजरत उमर ने कहा था ना कि इराद से कयास करने वाले आएंगे, खुद भी गुमराह होंगे तुम्हें भी गुमराह करेंगे, और वो अंबिया के वारिस हो गए क्यों? नाऊज़ुबिल्लाह। अच्छा अच्छा, तो मतलब इराद से कुछ लोग आएंगे वो तुम्हें भी गुमराह करेंगे? कयास करने वाले, इराद से कयास करने वाले आएंगे, खुद भी गुमराह होंगे या तुम्हें भी गुमराह करेंगे। अच्छा कौन सी हदीस में है जनाब? अरे भाई इसीलिए तो बोलो, हजरत उमर की रिवायत है, उमर तो अक्सर इराकी को देखते थे तो बोलते थे कि तुम कुरान आपके उलमा अंबिया के वारिस है, तो उन्होंने बताया नहीं आपको आज तक? नहीं तो आप बताओ, आपको मैंने पता अल्लाह के नबी ने इराक की तरफ इशारा किया था, आपको ये नहीं पता कि अल्लाह के नबी ने इराक की तरफ इशारा किया था और क्या फितने यहीं से निकलेंगे? आप तो फिर निकले नहीं वहाँ से। हाँ तो कौन है वो फितना? शहीद नहीं किया गया। हाँ तो कौन है वो फितना? तो तुम्हारे भाई जो एक मजलिस की तीन तलाक को एक मानते, तुम्हारे भाई तो तुम्हारे भाई है भाई। वो तो इस पर इजमा है, भाई है वो तो देखो, वो तो भाई तुम आराम से बात करो ना, तुम्हें कुरान मालूम नहीं है क्या? अच्छा तबलीगी जमात में ऐसी दावत दे रहे थे क्या? आप देखे आप जो है वो तुम्हारे भाई है, तीन तलाक को एक आप मानते हैं? ये तो अहले सुन्नत का तरीका है ना, सुने ना, अगर अहले सुन्नत का तरीका है तो अहले सुन्नत के तरीके को मानेगा जो शिया के बाद रहेगा तो अहले सुन्नत नहीं मारा जाएगा ना। सुनो पहले सुन्नत के तरीके को मानेगा तो शिया की तरह रहेगा। मेरे प्यारे भाई सुन ले, तो सुनने के लिए बर्बाद है ना, हम तो सुन रहे ना, वो भी अपने आपको मानते भारी दुनिया को खारिज करते हैं, आप पर तुम नहीं आपको मानते। मेरा सवाल नहीं है ना, मेरा सवाल भाई, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ ना। ओ भाई सुनो ना, आप ये कहना चाह रहे हो उन कुआरे लोगों को, भाई सुनो ना, उन कुआरे लोगों की अपने पास रही कलाल हुए बुखारी के अंदर कारण बताइए। अरे सुनते लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए ना भाई, कुरान में बताया कि जब हर बात बोली जाती थी तो यहूदी कानों में उंगलियां डाल लेते थे, और आपके भी वही अमल है कि आपके सामने हर बात बोली जा रही है तो आप बर्बाद हो। आपने कुरान पढ़ा कि नहीं कि जब हर बात बोली जाती थी? अच्छा ये बताइए ना, भाई वो मुसलमानों भाई तो भाई कुरान पढ़ा जाता था तो यहूदी कानों में उंगलियां डालते थे, बड़बड़ाते थे ना? हाँ तो हक बात सुन के बड़बड़ाना किसका काम है? यहूदियों का काम है ना, करता है। भाई देखिए आपने तो कुरान से आपको यहूदी वाला साबित कर दिया आपने। अच्छा सुनिए ना, शाम से तुम्हारी मुसाहबत क्यों मिल रही है? सुनिए ना, आराम से आराम से बात करिए ना, तभी तबीयत खराब हो जाएगी। आराम से बात करिए भाई, काम वाले हो गए। बताइए शियाओं को आप कयासी मानते हो? आप शियाओं को कयासी मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं ना, यानी आपने आपने मान लिया कि कयास करने वाले जो होंगे वो गुमराह होंगे भाई। मैचिंग तो सर सुने ना भाई, आपने वो लोग सुने ना, कयास करने अरे कयास करने वालों को आपने गुमराह मान लिए ना मेरे प्यारे भाई। तेरी मैचिंग हो रही है उनसे? किसकी? अरे मैचिंग तो भाई तुम्हारी हो रही है, इमाम अबू हनीफा की होती है। हमारी मैचिंग किसी मौजूद से बताओ, नहीं तो हम मौजूद से बताएंगे। अरे शियों के अकीदे सुने ना, मौजूद से बताएं, कोई मौजूद से बताएं, तुमने मेरे प्यारे भाई तुमने कोई मौजूद से बताएं, नहीं तो हम मौजूद से तुम्हारी मैचिंग बताएंगे। आपको खुद शिया साबित करिए भाई, तुम मौजूद से बताएं ना भाई, मौजूद से बताएं, साहबी या मौजूद से बताएं मेरे प्यारे भाई, जल्दी साहबी या मौजूद से बताएं, नहीं तो हम नबी साहबी मौजूद से आपको शिया बताएंगे। नबी साहबी करेंगे, हाँ देखो हम तो मुहद्दिस से बताएंगे भाई, भाई सुने ना, आराम से ना भाई, देखिए हमारा जो मजहब है वो हम अपनी अकल से नहीं समझते ना भाई, क्योंकि अकल पसंदों को जो कुरान ने गुमराह कहा है सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई, सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी की नबी ना 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 ना, देखिए हम तो आपको हम तो मुहद्दिस से बताएंगे भाई, ओ भाई हम तो मुहद्दिस से बताएंगे, आप मुहद्दिस से क्यों नहीं बता रहे भाई? भाई कहाँ से भी आए तुम तो, हाँ तो बताओ ना, मुहद्दिस से निकाल निकाल मुहद्दिस से बताओ ना।
हम तो सहाबी से बताएंगे, मौलवी से बताएंगे, हजरत उमर से बताएंगे कि एक बात की तीन तलाक एक है। ओ भाई सुनो ना, वो सुनो ना मौलवी, अच्छा मौलवी की बात मानना तकलीफ होती है? हाँ मौलवी से, मौलवी की बात मानना तकलीफ होती है? किधर भाग रहे हो? आपकी तबीयत खराब हुई, तौहीद का नाम मैंने लिया तो। अरे भाई तौहीद को मैंने जैसे सुनिए ना, तौहीद को सुनिए ना, आपको तौहीद पे मैंने क्या बात किया कि आपकी तबीयत खराब हो गई, आप इतना बड़बड़ाने लगे यहूदियों जैसा? भाई यहूदी जैसा बड़बड़ाते क्यों, बात सुनते नहीं है यार? भाई सुनो ना, काम भागे, ओ भाई काम के फिक्र आगे, मैंने उन चीजों को तुम्हारी मैं भाग रहे थे ना, तो मैं आपको घुमा के लाया सब जगह, मैं तो कह रहा हूँ आप भाग रहे थे तो मैं आपको घुमा के लाया हूँ, आप भाग रहे थे तो मैं आपको घुमा के लाया हूँ, ये तकलीफ है। हाँ तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो तो मुहद्दिसीन की बात जो थी नाउज़ुबिल्लाह वो बिना दलील थी, मतलब आप भी बोलना चाहते थे अभीदा, मतलब आप भी बोलना चाहते थे मौदी सिंह की बात बिना दलील थी नाउज़ुबिल्लाह? आपके शिया होने में कोई शक ही नहीं है, जो मौदी सिंह के बारे में ऐसी सोच रखते हैं? लखनवी ने जो कहा है कि हनफी अकीदे में शिया होता है, भाई सुनो ना, तुम अपने जूता अपने मुंह पे मारो, तुम्हारी दलील है? नहीं भाई ये मेरी दलील नहीं है, ओ भाई ये मेरी दलील है ही नहीं, ये मेरी दलील है ही नहीं, ये मेरी दलील नहीं है। अरे नहीं ना, मेरी दलील तो सुनो, मेरी दलील सुनो फिर बोलो। पूरी जमात की है। नहीं भाई मेरी नहीं, भाई मेरी नहीं है, ओ भाई, ओ भाई ये तुम्हारी दलील है, हम पे मत चिपकाओ, हमारी दलील नहीं तुम्हारी दलील है, तुम तुम्हारी जाहिलियत वाली दलील हम पे चिपका देते हो। हमारी दलील तो सुनो, हमारी दलील तो सुनो, अरे हमारी दलील तो सुनो, हमारी दलील तो सुनो, भाई सुनना यार, भाई सुन, अरे हमारी दलील तो सुनो तुम, हमारी दलील, हाँ भाई हमें यही साबित करना था कि तुम यहूदियों की तरह बड़बड़ा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया अभी कुरान से, तुम्हारा काम हो गया कि हक बात सुनी जाए तो बड़बड़ाओ, काम कर दिया हमने, तुम्हारा काम कर दिया, हक बात सुन बोली।